चलो जी, पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे एलिजाबेथ को बारबोसा के श्रापित खजाने का राज पता चलता है और विल टर्नर जैक के साथ एलिजाबेथ को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इसी वीडियो में हम उस कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एलिजाबेथ यहाँ से बारबोसा पर चाकू से हमला करके बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है वो शॉक हो जाती है क्योंकि उस सीट पर अब कोई इंसान था ही नहीं, सब स्केलेटन थे। तभी बारबोसा पीछे से आता है और कहता है, मैं सालों से प्यासा हूँ लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझ रही, मैं सालों से भूखा हूँ लेकिन मेरी भूख नहीं जा रही, मैं मरना चाहता हूँ लेकिन मर नहीं सकता, अब मैं बस इस श्राप से आज़ाद होना चाहता हूँ। और जैसे ही बारबोसा पर चांदनी रोशनी पड़ती है वो भी जिंदा लाश में तब्दील हो जाता है। दूसरी तरफ जैक स्पैरो, बिल और उनके दोस्तों को दिखाया जाता है जो अपनी शिप से ब्लैक पर्ल की तरफ आ रहे हैं। जैक स्पैरो का एक आदमी बिल को बताता है कि जैक स्पैरो पहले ब्लैक पर्ल का कैप्टन था, लेकिन उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और एक आइलैंड पर छोड़ दिया, और अब जैक ब्लैक पर्ल के वर्तमान कैप्टन से बदला लेना चाहता है। इसके बाद हम बारबोसा को एक गुफा में जाते हुए देखते हैं जहां वो श्रापित बॉक्स भी मौजूद था। वो कहता है, हमने जो सिक्के खो दिए थे वो सब वापस कर दिए हैं, अब हमें आखिरी सिक्का वापस करना है और हम इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तभी जैक स्पैरो और विल भी वहां पहुंच जाते हैं। बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काट देता है और उसका खून बॉक्स में डाल देता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो श्राप से आजाद नहीं होते। बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ पोर्टस्ट्रक टर्नर की बेटी तो नहीं है। तभी विल चुपके से एलिजाबेथ को लेकर भाग जाता है, लेकिन बारबोसा के एक साथी जैक स्पैरो को पकड़ लेता है। जैक बारबोसा से कहता है, वो जानता है कि उन्हें किसकी ज़रूरत है और मैं तुम्हें उस इंसान तक ले जा सकता हूँ। तभी बारबोसा का एक साथी आता है और कहता है, हम इंटरसेप्टर शिप के पास पहुँच रहे हैं जिसमें एलिजाबेथ और वो इंसान है जिसका खून हमें चाहिए। बारबोसा जैक को कैद कर लेता है। यहाँ एलिजाबेथ और विल अपने शिप को ब्लैक पर्ल से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। बारबोसा उन सबको कैद कर लेता है और समझ जाता है कि विल टर्नर वुडस्टेप टर्नर का बेटा है और उन्हें इसी के खून की ज़रूरत है। उसके बाद बारबोसा पहले एलिजाबेथ को पानी में फेंक देता है और फिर जैक स्पैरो को भी पानी में फेंक देता है। बारबोसा कहता है, शायद तुम्हें इस जगह को भूल गए होगे, लेकिन ये वही आइलैंड है जहाँ मैं तुम्हें पिछली बार छोड़ा था, लेकिन इस बार तुम बच नहीं पाओगे। एलिजाबेथ और जैक फिर से वही आइलैंड पर फंस जाते हैं। वहाँ जैक की लिक्वर भी होती है, मतलब बहुत सारी दारू होती है, जिसे एलिजाबेथ अगले दिन जला देती है। आग देखकर एक और शिप उनकी तरफ आती है जिसमें जेम्स और एलिजाबेथ के फादर होते हैं। वो दोनों जैक स्पैरो और एलिजाबेथ को उस आइलैंड से उठाकर अपने शिप पर ले जाते हैं। एलिजाबेथ जेम्स से कहती है, हमें ब्लैक पर्ल को फॉलो करना चाहिए जहां विल है, लेकिन जेम्स इस बात को नहीं मानता। एलिजाबेथ कहती है, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। जेम्स उसकी बात मान लेता है और उनकी बड़ी शिप ब्लैक पर्ल का पीछा करने लगता है। जल्द ही वो उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां ब्लैक पर्ल शिप है। सभी पायरेट्स कैब में छुपे होते हैं जहां उन्हें आखिरी सिक्का रखना है। जैक स्पैरो जेम्स से कहता है, मैं केव्स के अंदर जाऊंगा और बारबोसा से कहूंगा कि अपने साथियों को शिप से बाहर भेजें, जब पायरेट्स बाहर आएंगे तो उन्हें मार दें। जैक केव के अंदर जाता है जहां विल की गर्दन बस कटने ही वाली होती है ताकि वो कर्ष से आज़ाद हो सके। जैक स्पैरो से रोकता है और कहता है, अगर तुम कर्ष से आज़ाद होना चाहते हो तो तुम आगे भी तो बच नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर डॉन्टलेस शिप है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। कर्ष से आज़ाद होने के बाद जब तुम एक आम इंसान बनोगे, जेम्स और उसके सिपाही तुम्हें मार देंगे। तुम्हें पहले डॉन्टलेस शिप को हाईजैक करना होगा, तब तुम्हारे पास दो शिप्स होंगे। तुम मुझे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना सकते हो और मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा। जो भी मैं शिप्स लूटूंगा उसका 10% तुम्हें दे दूंगा। जैक वहां से एक कॉइन चुरा लेता है ताकि अगर वो लास्ट कॉइन भी रखते हैं तब भी वो कर्ष से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। बारबोसा जैक की बात मान जाता है और अपने सारे पायरेट्स को शिप से बाहर भेज देता है। रात की चांदनी में सभी पायरेट्स अपने डेडली रूप यानी स्केलेटन में तब्दील हो जाते हैं और सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। केव्स के अंदर जैक स्पैरो और विल बारबोसा से लड़ते हैं, लेकिन फिलहाल बारबोसा इंसान तो नहीं है और उसे मारा नहीं जा सकता। और फिर बारबोसा अपनी तलवार से जैक स्पैरो को घायल कर देता है, लेकिन जैक मूनलाइट में जाता है और उसका भी स्केलेटन बन जाता है क्योंकि उसने भी एक सिक्का चुराया था।
अब वो भी कर्ज का शिकार है। जैक अपना खून लगा कॉइन विल की तरफ उछालता है और विल उसे पकड़ लेता है। एलिजाबेथ भी वहाँ आ जाती है। बारबोसा फिर से एलिजाबेथ पर बंदूक तान लेता है और तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। ये गोली जैक स्पैरो ने बारबोसा पर चलाई होती है। ये वही गोली थी जो बारबोसा ने जैक को आइलैंड पर छोड़ने से पहले दी थी और जैक उसी गोली से बारबोसा को मारना चाहता था। बारबोसा कहता है तुमने ये गोली बर्बाद कर दी, लेकिन विल टर्नर कहता है नहीं, और वो दोनों कॉइंस को कर्ज ट्रेसर बॉक्स में डाल देता है जिससे सभी लोग कर्ज से आज़ाद हो जाते हैं। बारबोसा जिसके सीने में गोली लगी होती है मर जाता है। डॉनलेस शिप पर सब पायरेट्स अब इंसान बन चुके होते हैं, इसलिए वो अपनी हार मान लेते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जैक स्पैरो को पोर्ट रॉयल में फांसी दी जा रही होती है। बिल्कुल ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उस जगह जाता है जहाँ एलिजाबेथ, उसके फादर और जेम्स खड़े होते हैं। विल एलिजाबेथ से कहता है मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर वो उस जगह जाता है जहाँ जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है और वो उसे बचा लेता है। जाने से पहले जेम्स के सिपाही उन दोनों को घेर लेते हैं। एलिजाबेथ और उसके फादर भी वहाँ आ जाते हैं। एलिजाबेथ विल से कहती है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जैक स्पैरो अपने कंपेनियंस के पैरोट को देख कर समझ जाता है कि उसके कंपेनियन भी आस पास ही है, इसलिए वो किले की ऊंची दीवार से समुंदर में कूद जाता है। तभी ब्लैकबर्ड शिप जो उसके साथियों से भरी होती है जैक स्पैरो को बचाने के लिए समुंदर में आ जाती है। किले के ऊपर जेम्स विल को माफ कर देता है और एलिजाबेथ के फादर भी विल और एलिजाबेथ की शादी कराने के लिए मान जाते हैं। आखिर में जैक स्पैरो को ब्लैकबर्ड शिप पर दिखाया जाता है जहाँ उसके साथी लोग उसे वापस कैप्टन बना देते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये फिल्म 2003 में रिलीज़ हुई थी और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 8.1 है। मूवी का बजट अराउंड 140 मिलियन डॉलर्स था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 654.3 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसका अगला पार्ट भी अगली वीडियो में आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।